सब्सक्राइब कीजिए द स्मार्ट कुकिंग चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रानी और आप देख रहे हैं द स्मार्ट कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं खोया की बर्फी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खोया बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम खोया, 150 ग्राम शक्कर, इसको हमने पीस लिया है, और 10 से 12 बादाम, 10 से 12 पिस्ता, इसको हमने पीस छोटा छोटा काट लिया है, और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। तो इसको कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन गरम कर लिया है, इसमें हम मावा डाल के थोड़ा सा भुनेंगे। अगर मावा ड्राई है तो इसमें हम थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून। मावा को हमें लाइट ब्राउन होने तक भुनना है। यहाँ पर हमने होममेड मावा यूज़ किया है, आप चाहें तो इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो मावा हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है और इसमें हम शक्कर डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। शक्कर हमारी मेल्ट हो गई है तो इसे थोड़ा सा हम और भुनेंगे। तो अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। बर्फी हमारी जमने की कंसिस्टेंसी पे आ गई है तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। एक प्लेट को घी से हम ग्रीस कर लेंगे। तो अब हम इसमें बर्फी को जमा देंगे। ऊपर से इसमें पिस्ता और बादाम छिड़क देंगे। इसको सेट कर देंगे, स्पैचुला से इसको सेट कर देंगे इस तरह से। तो हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है और इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम इसके पीसेस करेंगे, तो 6-7 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। तो 6-7 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। तो इसके किनारे हटा देंगे। तो बर्फ़ी के हमने पीसेस कर लिए हैं, आप इसको गर्म में भी पीसेस करके रख सकते हैं क्योंकि ठंडी होने के बाद ये बहुत ये टाइट हो जाती है। तो इसके पीस आप गर्म में काट के और रख दीजिए और इसको ठंडा होने के बाद आसानी से निकल जाते हैं फिर वो। तो तैयार है खोया की डिलीशियस बर्फ़ी, आप भी इसको बनाइए, ट्राई कीजिए और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।